हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम बैक वंस अगेन ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज ए क्यू गुप्ता, योर इंग्लिश फैकल्टी, आर्ट्स स्कूल बांसुर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट वीडियो स्टेटमेंट लेसन नंबर 3। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट लेसन नंबर 4, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट इज दैट थिंग्स विच स्टार्ट्स एनी वर्क एंड विच कैन बी नेम और विच कैन बी अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाइक आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नेम, हु, दीज आर सब्जेक्ट विच स्टार्ट्स एनी वर्क एंड इट कुड बी एनी नेम। ओके, एनी नेम, इट कुड बी एनी नेम, दैट्स ऑल्सो सब्जेक्ट, कैन बी अ सब्जेक्ट। नाउ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग, विच कैन बी नेम अ पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ विच कंटेन्स अ वर्ब एंड tells something about the subject is called predicate. In its mean, subject तो वो होता है जो काम शुरू करता है, या फिर वो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है, या किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, या फिर we talk about is called, इनके बारे में जब हम बात करते हैं, यानी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो और जो काम शुरू कर रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, वो सब्जेक्ट होता है। बात आती है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है कि जो अदर पार्ट बच जाता है, सिंपल सी भाषा में समझे, जो अदर पार्ट बच जाता है सब्जेक्ट के बाद उसे हम प्रेडिकेट कर देते हैं। या फिर इनकी बात से कोई वर्ब आ जाए, या वर्ब के बाद का जो हिस्सा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, द पार्ट विच कंटेन्स अ वर्ब, जो पार्ट है बच गया है जो वर्ब कंटेन करता है या बाकी की चीज़ें कंटेन करता है उसको हम, या सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सिंपल सी भाषा, या वर्ब कंटेन करता है या उसके बाद कुछ सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, या फिर सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? प्रेडिकेट। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स हाउ कैन वी रेक्टिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Let's see some examples, my dear student. Suppose I have a given here Radha. Radha is a clever girl. Is a clever girl. In that and second look, then train arrived late. Train. Late. Firstly, look two example here. Okay. First thing, Radha is a clever girl. Okay. So Radha is a subject. Okay. And these things is a predicate. Why? Because Radha is a clever girl. Is a clever girl. Okay. यहाँ पर अगर हम बात करें तो राधा के बारे में हमने एक चीज़ बताई, वो क्या है कि वो एक चालाक लड़की है। तो राधा के बारे में अगर हम कोई चीज़ बताई जाती है, सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ बताई जाती है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट वो होता है, या किसी व्यक्ति का नाम, या वस्तु का नाम, या कोई काम करने वाला व्यक्ति, हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। यहीं पर देखो, तो ट्रेन ये नाम हो गया, अराइव्ड वर्ब हो गई, तो वर्ब यानी कि वर्ब के बाद कोई वर्ड आता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। बात सुन भाई माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। टेंजिंग एंड हिलेरी and Hilary top of Mount Everest now if you will look here, so Tenzing and Hilary, these are name
नेम एंड दे आर डूइंग एनीथिंग दे हैव डन व्हाट दे हैव टॉप दे हैव रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट सो दे वर्कड एंड दिस वर्ड्स इज टेलिंग अबाउट द टेंजिंग एंड हिलेरी दैट दे हैव डन यानी कि ये जो वाक्य है ये बताता है कि इन्होंने कुछ किया है यानी कि इनके बारे में बता रहा तो ये हो गया प्रेडिकेट ठीक है ना ये जो वर्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया है यानी इनके बारे में बता रहे हैं तो ये तो हो गए प्रेडिकेट और ये किसी के नाम है तो सब्जेक्ट हो गए या फिर इन्होंने या ये काम करने वाले हो गए या इन्होंने काम किया है तो ये सब्जेक्ट हो गए लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल अब हम बात करते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं Here is an announcement. Here is an announcement. अब आप सोचेंगे इसमें Now you will think here what is the subject and what is predicate. Now here is the very simple. Here is an announcement. So announcement is here. An announcement is here. So what is here? यानी कि हम announcement के बारे में बोलें कि announcement है यहाँ पे एक announcement है तो एक है क्या announcement तो ये हमारा क्या हो जाएगा subject क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में हेयर क्या है यहाँ पे यानी कि यह एक अनाउंसमेंट है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो चीज़ है यही बताई जा रही है लोगों को ठीक है यानी कि अगर हम एन अनाउंसमेंट हम बोलते हैं एन अनाउंसमेंट इज हेयर फॉर यू सिंपल आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है तो एक अनाउंसमेंट क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया किसके लिए आप लोगों के लिए तो उन लोगों के लिए क्या जरूरी है अनाउंसमेंट जरूरी है सो अनाउंसमेंट क्या हो जाएगी सब्जेक्ट और बाकी जो बचेगा यहाँ पे ये प्रेडिकेट है जरूरी नहीं है बेटा इट्स नॉट कंपल्सरी दैट व्हाटएवर इज रिटन फर्स्ट दैट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाटएवर रिटन इज एट द एंड दैट इज अ प्रेडिकेट ओके इट मे बी समथिंग डिफरेंट ओके ओके सम टाइम हैपन दिस टाइप ऑल्सो दैट इफ यू विल नॉट फाइंड एनी सॉरी वेट ओके माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल इज हियर सम टाइम हैपेंड यू विल नॉट फाइंड एनी सब्जेक्ट यू विल नॉट फाइंड एनी सब्जेक्ट बिकॉज देयर इज नॉट रिटन एनी सब्जेक्ट सपोज आई विल से यू गो देयर एंड सिट ओके गो देयर एंड सिट सो टू हूम आई एम टेलिंग एनीबडी इज हियर लाइक यू It is hidden. It's not shown. So I will say like this: Go there and sit. Okay, go there and sit. That's mean I am giving a command. But here is no subject. Here is no subject. But you is a subject which is a hidden. That is a subject. So what is remained? These are predicate, and this is a subject. It's not shown. While speaking. So my dear students, I hope you got it, all these things. And if you had doubts, so we will meet. When we will meet, then we will discuss all these things. Okay. Now, let's see. Some exercise will be sent as soon as possible to you. So wait for that and complete your homework. We will meet in the next video. Till then, thank you.